पीछे श्री कृष्ण जी की जो अवतार धारे एक व्यक्ति को देख रहे होंगे। आज माता दिवस यानी मदर डे मनाने के उपलक्ष्य में कैथल के एसएस बाल सदन स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज जो कार्यक्रम है वो मदर डे के नाम से आयोजित किया गया है, क्योंकि कल माता का दिन है और आज वो उससे एक दिन पहले इसलिए किया गया क्योंकि कल संडे है, बच्चे नहीं आ पाएंगे, माँ बाप नहीं आ पाएंगे। ये जो दिन है विद्यालय ने माता पिता को माता को समर्पित करने के लिए आयोजित किया। माँ माँ क्या है? माँ बच्चे की सिसकी है, माँ बच्चे की लोरी है, माँ बच्चे का दुख है, माँ बच्चे का सुख है, माँ बच्चे की गोद है। हमारे देश की माँ वास्तव में माँ है, उसका कोई जवाब इस दुनिया में ना है ना होगा। भगवान के बाद अगर किसी का रूप है तो वो माँ का है। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो माँ का हृदय वैसे ही रोता है जैसे बच्चे का हृदय रोता है। आज तक हमने सुना है, बुजुर्ग बताते रहे हैं कि माँ खुद गिल्ले में सोकर बच्चे को सूखे में सिलाती है, चाहे उसमें उसने यूरिन कर दिया हो, चाहे उसमें उसकी पोटी आ गई हो, चाहे उसने पानी खिंडा दिया हो। माँ के मन में कभी बच्चे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पैदा नहीं होता। माँ इतनी बढ़िया है। अभी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्कूल चलाते हैं, वो माँ जो 7:30 बजे बच्चे को तैयार करके स्कूल छोड़ के जाती है, 10 बजे उसका खाना देने के लिए आती है। ऐसी है मेरे देश की माँ। इसलिए ये कार्यक्रम आज माँ को समर्पित है। मैं उन माँओं को समर्पित करता हूँ इस कार्यक्रम को, अपनी माँ को। आज भी मेरे को अपनी माँ का उतना ही दुख है चले जाने का जितना मैं जब वो गई थी तब था। शायद बच्चा अपनी माँ का की वैल्यू नहीं समझता, लेकिन जब मेरे वाली उम्र में आता है तो उसको एहसास होता है कि माँ क्या है, माँ के बिना कुछ नहीं है। बीइंग ए टीचर हमारा ये फर्ज बनता है कि बच्चे के मन में माँ के प्रति श्रद्धा पैदा करें, उसके मन में एक हर्षित उल्लास पैदा करें कि वो अपनी माँ को रिस्पेक्टफुल वे में देखे, अपनी माँ से प्यार करे, अपनी माँ से स्नेह करे। वो बताए, हम ये बच्चे को बताना चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर फिर सुबह तक, अगर माँ के लिए कुछ इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार है तो वो उसका बच्चा। माँ, माँ का नाम ही ऐसा है कि जिसको लेकर ये महसूस होता है कि मेरा बचपन जो है वो लौटा है। माँ जिसको दर्द बच्चे को होता है, जो माँ कितने ही मिलो दूर हो पर तो दर्द उसको महसूस हो जाता है कि मेरा बच्चा आज परेशान है, मेरे बच्चे को कोई पुकार रहा है। अगर बच्चा है ना, रोता है, उसको दर्द होता है किसी भी प्रकार का, या जब तक बच्चा घर पे नहीं आता तो माँ नहीं सोती। हर व्यक्ति सो जाता है परंतु माँ, माँ क्यों याद करते हैं? जब कोई चोट लगती है तब भी माँ याद आती है। और माँ के जो संस्कार हैं, अगर कोई संस्कार देता है तो माँ देती है। और आम आदमी हर रूप ले सकता है परंतु माँ का स्थान कोई व्यक्ति ना ले पाया। मैं तो ये चाहूँगा कि भगवान भी बाद में आता है, पहले माँ आती है। माँ जो है पिता का रूप भी है, माँ का रूप भी है, भाई का रूप भी है। और जो दुख दर्द माँ से बांट सकता है वो किसी से भी बांट सकता है। तो जो आज मुझे एसएस बाल सदन ने मुझे यहाँ पे बुलाकर मान सम्मान दिया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है, बच्चों के अंदर एक संस्कार पैदा होते हैं इस प्रकार के फंक्शन से कि बच्चे ये महसूस करते हैं कि माँ का स्थान क्या है, माँ का कैसे आदर करना चाहिए। उसको मतलब ये सोच के नहीं करना चाहिए कि इसका फर्ज है, नहीं, फर्ज आपका है। और जो माँ बाप ये वृद्ध आश्रम में बच्चों को पेरेंट्स को भेजते हैं, अरे मेरा उनसे अनुरोध है, उनसे प्यार से नतमस्तक से मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि अरे वृद्ध आश्रम में जिन्होंने तुम्हें पाला, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हें कुछ मान सम्मान दिया और तुम उनको वृद्ध आश्रम भी भेज रहे हो, तुम्हें तुम्हारे लिए हम भारत में, मैं तो चाहता हूँ कि वृद्ध आश्रम नहीं होने चाहिए। पूरा अखबार भरिया पड़िया से
महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी, हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पास ली। ठीक कैसे भाई, इनने भी दे रखे सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठान लाग रहा से। अरे पर वो तो एकला से है। ना 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 ना, ई एकला कौन है, ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात, ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे। बोले तू मेरे साथ में और यो ले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है, व्यवस्था परिवर्तन।